हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेवराज किचन विद मी सोनाली। श्रावण का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में कई लोगों का व्रत होता है। व्रत छोड़ने के लिए आज मैं लेके आई हूँ सात्विक वेज थाली की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दाल बना लेंगे। दाल बनाने के लिए एक कप तुअर दाल लिया है और दो कप पानी लिया है। आज हम दाल और राइस एक ही कुकर में बनाने वाले हैं। राइस बनाने के लिए एक कप राइस को अच्छे से धो लिया है। एक कप पानी डाल लेंगे और एक चम्मच नमक डाल लेंगे। कुकर में हमें इस तरह से एक स्टैंड रख लेना है। स्टैंड के ऊपर अब मैं राइस रख ले रही हूँ। आलू और मटर की सब्जी बनाने के लिए आलू भी हम इसमें ही बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दो आलू कट करके लिया है। अब हम उसमें हाफ कप पानी डाल लेंगे। अब हम कुकर गैस पे चढ़ा लेते हैं। चार सीटी होने के बाद अब हम गैस बंद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। राइस भी हमारा बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल भी अच्छे से पक चुका है। अब हम दाल बना लेते हैं। दाल बनाने के लिए दो चम्मच ऑयल डाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है। आधा चम्मच हींग डाल लेंगे, आधा चम्मच मोरी डाल लेंगे, आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे, कड़ी पत्ता डाल लेंगे और टमाटर डाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल लेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल लेंगे और थोड़ी सी धनिया डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें दाल डाल लेंगे। अब हमें इसमें एक कप गरम पानी डालना है। याद रहे अब गरम पानी ही इसमें डालें। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल लेंगे। अब हम इसमें दो चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा दाल रेडी है। अब हम भिंडी फ्राई बना लेते हैं। भिंडी फ्राई बनाने के लिए भिंडी मैंने बीच में से कट कर ली है और एक कप भुने हुए शेंगा का पाउडर लिया है। भुने हुए शेंगा के पाउडर में अब हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें आधा चम्मच तेल डाल लेना है। अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम एक एक करके इस मिक्सचर को अच्छे से भिंडी में स्टफ कर लेंगे। सारे भिंडी में मैंने स्टफिंग कर लिया है। अब हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं। भिंडी फ्राई बनाने के लिए एक चम्मच तेल डाल लेंगे, आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे, स्टफ किए हुए भिंडी डाल लेंगे। भिंडी को अच्छे से फ्राई करते रहना है। याद रहे नीचे लग ना पाए। अब हम इसमें बचा हुआ मिक्सचर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी भिंडी फ्राई रेडी हो चुकी है। अब हम आलू और मटर की सब्जी बना लेते हैं। आलू और मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल लिया है। आधा चम्मच मोरी डाल लेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ कप मटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। उबले हुए आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हमें इसे ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट पका लेना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी आलू और मटर की सब्जी रेडी है। अब हम सेवई की खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप सेवई डालेंगे। सेवई को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें और थोड़ा दूध डालेंगे और 4 चम्मच शक्कर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सेवई की खीर रेडी है। अब हम पूरी बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए आटा मैंने पहले से ही गूंद के रखा है। अब हम पूरी बना लेंगे। छोटा सा डो लेके अच्छे से उसे रोटी के शेप में रोल कर लेंगे। पूरी के परफेक्ट राउंड शेप के लिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन का यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस तरह से उसे कट कर लिया है। अब हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। हमें दोनों साइड से अच्छे से पूरी को फ्राई कर लेना है। वही तेल में हम पापड़ भी फ्राई कर लेंगे। हमारी सात्विक वेज थाली रेडी हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेवरा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।